हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक की एक मेडिसिन ग्रेफाइट के बारे में। लेकिन दोस्तों, बताने से पहले आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले मैं ग्रेफाइट का माइंड बताऊँगा कि ग्रेफाइट के पेशेंट का माइंड किस तरह का होता है। दोस्तों, ग्रेफाइट का पेशेंट छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी बेचैन हो जाता है। जो बातें सबके लिए आम होती हैं, वो इसके लिए खास होती हैं। ये उन बातों में बेचैन हो जाता है, उन बातों को अपने मन से लगा लेता है, दिल से लगा लेता है। इतना बेचैन हो जाता है, बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, इम्पेशेंस होता है, जल्दी घबरा जाता है। इसके माइंड में कन्फ्यूज़न होता है, इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है बहुत ज़्यादा पुअर होता है। और इसे किसी भी काम को लेके ऐसी किसी भी काम को लेके स्योरिटी नहीं रहती, अस्योरिटी रहती है इसके माइंड में। और दोस्तों, एक खास सिम्टम इसके माइंड में देखने को मिलता है कि इस के पेशेंट को सभी पुरानी बातें याद रहती है, लेकिन प्रेजेंट की बातें बिल्कुल याद नहीं रहती, उन्हें एकदम भूल जाता है। अर्थात, अगर इसका पेशेंट कोई मूवी देखने गया हुआ है, अगर कल अगले दिन कोई इससे पूछे कि भाई उस मूवी में तुमने क्या क्या देखा, क्या क्या कैसी 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 मूवी है, तो सारी चीज़ें बताएगा, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, सारी चीज़ बताएगा। लेकिन बाद में अगर उसका इससे कोई मोटिव पूछे कि यार उस मूवी का मोटिव क्या है, कैसी मूवी है, उसे देख के आखिर में कंक्लूजन का क्या निकला, उसका मैसेज क्या है, तो दोस्तों वहाँ पे कन्फ्यूज हो जाएगा, इसे नहीं बताया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जहाँ माइंड यूज करने की बात आती है, ये एकदम जीरो हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अगर हम किसी लाइकोपोडियम का बंदा होता, अगर उससे बोलते तो एकदम बताता हो, क्योंकि उस वो मेमोरी से बहुत ज़्यादा, माइंड से बहुत ज़्यादा शार्प होता है। लेकिन ये माइंड से बहुत ज़्यादा पुअर होता है। अगर इससे कोई प्लानिंग बनाने के लिए बोले तो ये नहीं कर पाएगा, ये कोई प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, कोई चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते हैं। इन्हें कोई मैनेजमेंट दे दिया जाए करने के लिए तो ये वो चीज़ को मैनेज नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर कोई काम इन्हें किसी की डायरेक्शन में करना पड़े तो ये बखूबी कर लेते हैं, हार्डवर्किंग होते हैं। लेकिन अपना माइंड यूज करके कोई काम नहीं कर पाते हैं, दूसरों की डायरेक्शन से ये सारा काम कर लेंगे, हार्ड वर्किंग होते हैं। जैसे लेबर क्लास लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, वो डायरेक्शन से, दूसरे की डायरेक्शन से काम करते रहते हैं, कितना ही काम उनसे करा लो। लेकिन दोस्तों, जहाँ अपना माइंड यूज करने की बात आती है, ये बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न में चले जाते हैं। और दोस्तों, अगर इनकी बेचैनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये नर्वस होने के बाद में इनका एक आखिरी हथियार होता है रोना, तो ये एकदम रो जाते हैं। बिना रोए इनका काम नहीं चलता है, ये अपनी फीलिंग को बिना एक्सप्रेस किए नहीं रह पाते हैं, तब तक इन्हें आराम नहीं मिलता है, एग्रावेशन होती रहती है, घुटते रहते हैं बेचैनी में, रोने से इन्हें एम्ल्यूरेशन मिल जाती है। दोस्तों, अगर कोई भी बंदा ग्रेफाइट के बंदे से अपनी बातें शेयर करे तो ये उस बात को किसी तीसरे से कहे कहे बिना नहीं रह पाते हैं। अर्थात, इनके माइंड में, इनके मन में कोई भी बातें नहीं रुक पाती है, ये अपने किसी की भी बातों को अपने मन माइंड में नहीं रख पाते हैं, उसे एक्सप्रेस किसी तीसरे के सामने ज़रूर कर देते हैं। तो ऐसा होता है ग्रेफाइट का पेशेंट। और दोस्तों, बहुत ज़्यादा डरपोक टाइप होते हैं ग्रेफाइट के, बहुत ज़्यादा टिमिड होते हैं, कोई डांट दे एकदम रो जाएंगे, एकदम बेचैन हो जाएंगे, कोई भी कुछ काम के लिए बोल दे, जहाँ एकदम तुरंत माइंड यूज करने की बात आती है तो वहाँ एकदम बेचैन हो जाते हैं, अपना माइंड यूज नहीं कर पाते, एकदम कन्फ्यूजन में चले जाते, एकदम बेचैन, हत्ते पत्ते डाल देते हैं, एकदम बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि अपना माइंड इनसे यूज नहीं होता है, इनमें इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इस तरह के ग्रेफाइट के पेशेंट होते हैं।
और दोस्तों अब बात करते हैं ग्रेफाइट के बाकी फिजिकल सिम्टम के बारे में कि अर्थात फिजिकल लेवल पर ग्रेफाइट में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि ग्रेफाइट आखिर बनती किस चीज़ से है। दोस्तों ये ब्लैक लेड से बनती है और दोस्तों इसका जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा चिल्ली होता है, अर्थात उसे ठंड के मौसम में प्रॉब्लम होती है और जैसे जैसे गर्मी आती है उसकी प्रॉब्लम कम होती जाती है, लेकिन ठंड के समय में इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और दोस्तों इसका जो फिजिकल अपरेंस होता है ये ओबेस पर्सन होते हैं, मोटे होते हैं, थुलथुले होते हैं, कॉस्टी होते हैं, इनमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों फिजिकल अपरेंस में हम कैल्केरिया कार्ब और ग्रेफाइट में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये ग्रेफाइट है या फिर कैल्केरिया कार्ब है। लेकिन दोस्तों कन्फ्यूज़न माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है। जो कैल्केरिया कार्ब का पेशेंट होता है उसकी स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, थिन होती है, अर्थात कैल्केरिया कार्ब का बंदा अगर धूप में जाता है और धूप में जाने से उसकी स्किन इतनी रेड हो जाती है कि ऐसा लगता है कि स्किन के पीछे एकदम ब्लड है। लेकिन दोस्तों ग्रेफाइट की स्किन बहुत ज़्यादा मोटी होती है, थिक होती है, पेल होती है, पीलापन होता है, एनीमिक होते हैं ग्रेफाइट के पेशेंट। लेकिन दोस्तों कैल्केरिया कार्ब में ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों इन चीज़ों के इन लक्षणों के आधार पर हम ग्रेफाइट और कैल्केरिया कार्ब में डिफरेंस कर सकते हैं। और दोस्तों आँख के लिए ग्रेफाइट बहुत अच्छी मेडिसिन है। आँखों की बहुत सारी प्रॉब्लम में हम ग्रेफाइट देते हैं और बहुत अच्छा काम भी करती है, जैसे स्क्रोफ्लस ऑप्थल्मिया होता है तो उसमें फोटोपोपिया की जब शिकायत रहती है तो उसे लाइट से बहुत ज़्यादा एग्रेवेशन होती है। ये इसका प्रोमिनेंट सिम्टम है कि अगर किसी पेशेंट को स्क्रोफ्लस ऑप्थल्मिया में लाइट से एग्रेवेशन हो रही है, बोल रहा है पेशेंट तू मुझे लाइट बहुत ज़्यादा चुभती है, मुझे बर्दाश्त नहीं है लाइट, तो हम ग्रेफाइट दे सकते हैं। दोस्तों एक इसका लैक्रिमेशन होता है, बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होता है, ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज होता है, चिपचिपा डिस्चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा एक्रिड होता है, कोरोसिव होता है, अर्थात अगर किसी अलग पोर्शन पे लग जाता है, आँख से निकल के अगर फेस पे आता है तो वहाँ पे रोनेस हो जाती है, इतना ज़्यादा कोरोसिव डिस्चार्ज होता है इसका। और दोस्तों इसके जो कॉर्नर्स होते हैं आईज के उसमें क्रैक हो जाते हैं, आईलिड पर क्रैक हो जाते हैं, स्क्रैप देखने को मिलते हैं, अल्सर देखने को मिलते हैं और जो डिस्चार्ज होता है कोरोसिव होता है। तो इस तरह की समस्या में हम ग्रेफाइट को दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें पोटेंसी का ध्यान रखना है कि ग्रेफाइट की कभी भी हमें हाई पोटेंसी में नहीं जाना है, 200 NM में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये डीप एक्टिंग एंटीसोरिक मेडिसिन है जिसे सल्फर होती है। तो दोस्तों इसकी हमें लो पोटेंसी ही देनी है, 6 पोटेंसी, 12% पोटेंसी या 30 पोटेंसी ही इस्तेमाल करनी चाहिए, हमें हाई पोटेंसी में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और दोस्तों इसकी जो पेशेंट की आईलिड होती है बहुत ज़्यादा मोटी होती है और दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रोमिनेंट सिम्टम आँखों में देखने को मिलता है। पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर साहब जब मैं लिखने पढ़ने का काम करता हूँ तो मुझे एक ही अक्षर बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, एक ही अक्षर बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, जैसे एक के पीछे बहुत सारे अक्षर चल रहे हैं, ये एक ही अक्षर डबल दिखाई देता है। तो अगर इस तरह की समस्या लेकर अगर पेशेंट आता है तो ऐसे सिम्टम के बेसिस पे हम ग्रेफाइट दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और दोस्तों कान की बहुत अच्छी मेडिसिन है ग्रेफाइट। अगर टाइनेटिस की प्रॉब्लम में अगर पेशेंट को सुनने में प्रॉब्लम होती है, उसकी कानों में घूं घूं की आवाज़ रहती है और दोस्तों उसका कान का जो डिस्चार्ज होता है, अगर कान में से डिस्चार्ज हो रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा ओफेंसिव है, उसमें सोरनेस है, कोरोसिव है, तो दोस्तों हम ग्रेफाइट दे सकते हैं। और दोस्तों कान का बहुत अच्छा एक प्रोमिनेंट सिम्टम देखने को मिलता है ग्रेफाइट में कि ये इसके पेशेंट भीड़ भाड़ वाली जगह पे बहुत अच्छा सुनना पसंद करते हैं, जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं या जहाँ ज़्यादा क्राउड हो
तो वहां पे ये पेश इसके पेशेंट को अच्छे से सुन लेते हैं, सबको सुन लेंगे। लेकिन दोस्तों जहां एकांत जगह की बात आती है, वहां इसे पेशेंट को कोई आवाज लगाता है तो ये नहीं सुन पाते हैं। मतलब ये नॉर्मल एक बंदा जो होता है वो एकांत जगह पर अच्छा सुन पाता है, और भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं सुन पाता है। लेकिन दोस्तों इसका अलग है, उल्टा है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोमिनेंट सिम्टम है ग्रेफाइट को देने के लिए। और दोस्तों अब पेट की बात आती है, पेट के बहुत सारी बीमारियों में ग्रेफाइट बहुत अच्छा काम करती है। कि जैसे ग्रेफाइट के पेशेंट को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं होता है, स्वीट्स बिल्कुल पसंद नहीं होती है। मैंने पहले ही बताया कि इसका पेशेंट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। और इनमें पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है, पेट भरा भरा सा रहता है। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ना तो डकार लेने से आराम मिलता है, ना ही गैस पास करने से आराम मिलता है, बस पेट तना हुआ सा रहता है। तो ऐसी समस्या में हम ग्रेफाइट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बड़ी मज़ेदार बात है कि इसके पेशेंट कॉन्स्टिपेशन का शिकार होता है। पेशेंट भरा हुआ पेट पेट पेशेंट का पेट भरा हुआ है, ना ही उसे डकार से आराम मिल रहा है, ना ही उसे गैस पास करने से आराम मिल रहा है। लेकिन पेट की कोई भी समस्या हो, पेट में मल पड़ा है, पेट में मल पड़ा है कई दिन तक, लेकिन पेट की कोई भी समस्या हो, चाहे वो गैस्ट्राइटिस हो, चाहे पेप्टिक अल्सर हो, ड्यूडिनल अल्सर हो, या कैंसर हो, या पेट में दर्द हो, उसे जो आराम मिलेगा खाने से मिलता है। खाने से आराम मिलता है, लेकिन पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, मल पड़ा हुआ है कई दिनों तक, लेकिन फिर भी उसे खाने से आराम मिलता है। जहाँ नॉर्मल आदमी सोचता है कि यार नहीं खाना है, पेट भरा हुआ है, आराम ही नहीं मिल रहा, पेट फूला फूला है, नहीं खाने का मन करता, लेकिन इसके पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, पेट की समस्या में इसे खाने से आराम मिलता है। अगर इस तरह का अनकॉमन लक्षण पेशेंट लेकर आता है तो उस पेशेंट को हमें ग्रेफाइट देना चाहिए। और दोस्तों कॉन्स्टिपेशन के कारण पेशेंट आता है या आती है, अब वो बोलती है कि डॉक्टर साहब मुझे कॉन्स्टिपेशन, पेट मेरा भरा हुआ रहता है, काफ़ी दिनों तक मुझे मल पास नहीं होता है, स्टूल पास नहीं होती है। और दोस्तों कमर के निचले हिस्से पर पेशेंट बोलता है कि मुझे डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा भारीपन रहता है, जिस कारण से मुझे टाइट कपड़े पहनने का मन नहीं करता है। अगर इस तरह का सिम्टम लेकर पेशेंट आता है तो हमें उसे ग्रेफाइट देनी चाहिए। और दोस्तों इसकी जो स्टूल होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और वो आपस में म्यूकस के थ्रेड से चिपके हुए होते हैं, लार्ज स्टूल होती है। और दोस्तों उस जब वह स्टूल पास होती है ऐसे पेशेंट में, जब वह ऐसी स्टूल पास करता है, और ये प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती है, तो इस मेडिसिन के पेशेंट में एनल रीजन में क्रैक पड़ जाते हैं, फिसर की समस्या आ जाती है। और जब ये फिसर की समस्या काफ़ी दिनों तक चलती रहती है तो लार्ज हार्ड स्टूल होने की वजह से रेक्टल वेन में इंगॉर्जमेंट आ जाता है, जिसके कारण पाइल्स की समस्या देखने को मिलती है। और दोस्तों इसकी पाइल्स पेशेंट को बहुत ज़्यादा कष्टदायक होती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, एनल रीजन में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। और दोस्तों अब ये बात मैंने कॉन्स्टिपेशन की बताई है, मोस्टली लोग सोचते हैं कि ग्रेफाइट केवल कॉन्स्टिपेशन की ही मेडिसिन है, लेकिन दोस्तों इसमें डायरिया भी देखने को मिलता है, रेयर है पर देखने को मिलता है। इसका जो डायरिया होता है ब्राउन कलर का होता है, उसमें अनडाइजेस्टिबल फूड पार्टिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है, जैसे सड़े अंडों की रोटन एग जैसी बदबू आती है, बहुत ज़्यादा सोरनेस
देखने को मिलती है। अर्थात जो एनस होता है उसमें बहुत ज़्यादा रोनेस हो जाती है, इसका जो डिस्चार्जेस होते हैं, जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं वो सारे कोरोसिव होते हैं, जिसके कारण रोनेस आ जाती है। और दोस्तों महिलाओं की बहुत अच्छी मेडिसिन है, फीमेल की बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसमें मेंसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, स्कंटी होते हैं, लेट होते हैं, और मेंसेस के समय पर ग्रेफाइट के पेशेंट की जो महिला होती है उसमें बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं, जैसे हेडक देखने को मिलता है, लुम्बोसैक्रलिज़न में नमनेस देखने को मिलती है, पैरों में कमजोरी देखने को मिलती है, हेडक हो जाता है, तो इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। और दोस्तों ग्रेफाइट को पल्सेटला का क्रोनिक बताया गया है, जहाँ पर पल्सेटला अपना काम करना बंद कर देती है वहाँ पे उसके बाद में, पल्सेटला के बाद में हमें ग्रेफाइट को देना चाहिए। और दोस्तों मेंसेस के समय पर ब्रेन डाउन सेंसेशन देखने को मिलती है पेशेंट में, पेशेंट बोलता है कि मेरी सारी चीज़ें ऐसा लगता है डॉक्टर साहब निकल जाएगी। मेंसेस के समय पे यूट्रस में स्वेलिंग आ जाती है, यूट्रस के मुंह पर हार्डनेस आ जाती है, ओवरी में स्वेलिंग आ जाती है, हार्ड हो जाती है ओवरी। और दोस्तों इसमें लुकोरिया में मेंसेस के पहले भी रहता है और मेंसेस के बाद भी रहता है, बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है, कोरोसिव होता है, अर्थात लेविया माइनोरा मेजोरा पर बहुत ज़्यादा रोनेस आ जाती है, इचिंग होती है, क्रैक हो जाता है, क्रैक स्किन क्रैक हो जाती है, वेजाइनल की जो स्किन होती है वो क्रैक क्रैक हो जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोनेस आ जाती है, इचिंग बहुत ज़्यादा होती लुकोरिया की वजह से। और जो इसका लुकोरिया होता है वो बिफोर मेंसेस और आफ्टर मेंसेस भी रहता है, और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि मेंसेस की जगह पर लुकोरिया आ गया। और दोस्तों इस मेल में भी बहुत अच्छा काम करती है, कि जो मेल सेक्सुअल अब्यूज की वजह से, जिनको सेक्स करने का मन नहीं करता उनका मन भर जाता है सेक्स से, उन्हें सेक्स से घिन आने लग जाती है, इरेक्शन में प्रॉब्लम होने लग जाती है, सीमन अपने आप निकल जाता है, तो दोस्तों ऐसे केसेस में भी हम मेल को ये मेडिसिन दे सकते हैं। और दोस्तों स्किन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है ग्रेफाइट, इसकी स्किन बहुत ज़्यादा मोटी होती है, थिक होती है, और दोस्तों इसकी कुछ साइटें होती है जहाँ पे स्किन इरप्शन देखने को मिलती है, जैसे फिंगर फिंगर के बीच में बैंड वाली जगह पर, इस ये जगह जहाँ पे बैंड वाली जगह है वहाँ पे, सिर पे, कानों के पीछे, जेनिटल रीजन पे। और दोस्तों स्किन में बहुत ज़्यादा क्रैक हो जाता है, पेनफुल स्किन होती है, और ब्लीड करती है। और दोस्तों इसकी जो इरप्शन होते हैं वो मॉइस्चर डिस्चार्ज होता है, ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज, चिपचिपा डिस्चार्ज होता है स्किन से, पेनफुल होते हैं, ब्लीडिंग होती है क्रैक में से, और इसमें जो एक्जिमा होता है वो मॉइस्चर एक्जिमा होता है, जैसे ड्राई एक्जिमा होता है, एक होता है मॉइस्चर एक्जिमा, मॉइस्ट एक्जिमा, तो इसमें जो एक्जिमा होता है वो मॉइस्ट एक्जिमा होता है। और दोस्तों नेल्स में इसके जो नाखून होते हैं बहुत ज़्यादा खुदरे हो जाते हैं, गल जाते हैं, मोटे नाखून होते हैं, अपने आप ही टूट जाते हैं ये नाख, अगर ये समस्या नाखून में पेशेंट आकर बोले तो ऐसी समस्या में हम ग्रेफाइट दे सकते हैं। और दोस्तों इसमें से जो डिस्चार्ज होता है वो कोरोसिव डिस्चार्ज होता है, और दोस्तों ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज होता है स्किन में से, इसके सारे डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होते हैं, कोरोसिव होते हैं। और दोस्तों ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं यही ग्रेफाइट में है मोस्टली। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दोस्तों अंत में भी कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।